आई हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले गोला में, जहाँ एक ऐसी मंदिर है जिसे काशी के दूसरे काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी किया गया है और कहा जाता है कि कई वर्ष पहले जब रावण शिव जी के शिवलिंग को लेकर जा रहे थे, ऐसे में उन्होंने इसी स्थान पर शिवलिंग को उतारा था और अपने अंगूठे से उसे दबाया, जिसके निशान आपको आज भी यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नत मानते हैं वो जरूर पूरी होती है। चलिए आपको हम अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पूजा की जाती है और यहाँ के पुजारी से भी जानेंगे कि क्या कुछ पौराणिक कथाओं में जो इनका उल्लेख किया गया है वो किस तरह से। आप देख सकते हैं कि यही मंदिर है जहाँ पर लोग दूर दूर से आकर पूजा करते हैं। ये वो भी स्थान है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया और हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद है यही के पुजारी पंडित जी, जो काफ़ी कई वर्षों पहले से यहाँ पर पूजा करते थे। हम जानेंगे कि क्या मान्यता है यहाँ से और जो लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं किस तरह की पूजा किया जाता है। कैमरा पर्सन से बोलूँगी आप ठीक से दिखाई कि यही वो स्थानीय विवाह पंडित लोग पूजा करते हैं और किस तरह से इसे बनाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग भी आप देख सकते हैं कि रोज़ सुबह यहाँ पर पूजा करने आते हैं, इनसे भी जानेंगे। पहले हम जानते हैं बाहर देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ की। पूरा जो मंदिर है पूरा मंदिर प्रांगण बनाया गया है और यहाँ पर हर भगवान की मूर्ति प्रतिमा आपको नजर आएगी। लोग स्थानीय लोग खासकर ज़्यादातर यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ मान्यता है यहाँ की और क्या कुछ पूजा किया जाता है। देखिए हमारे साथ पूजारी है यहाँ के, इनसे जानेंगे। बता पंडित जी कितने वर्षों पहले इस पूजा मंदिर स्थापित? ये अनाज काल से शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर प्रसिद्ध है, रावण के कर कमलों के द्वारा स्थापित है ये। और पद्म पुराण ब्रह्म वैवत पुराण में इसका वर्णन है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर की व्याख्या करने में सक्षम नहीं। इतना पुराना मंदिर है कि जब भगवान राम रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव जी को कैलाश पर्वत से डोली में लाके यहाँ रखा। भगवान ने यह प्रश्न किया था कि जब भी हमें जहाँ कहीं रख दोगे वहाँ से हम उठेंगे नहीं, तो यहाँ पर रख दिया। तब से भगवान यहीं स्थापित हैं और नित्य भगवान की पूजा होती है। बाबा चंद्रभाल नाम के नाम से विख्यात हैं और जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उन सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ये भगवान शिव जी का सच्चा दरबार है, सच्चा मंदिर है। जो यहाँ पर पूजा कराई जाती है तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आकर जो मन्नत मांगते हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं जो भी मन्नतें मांगते हैं वो सबकी मन्नतें पूरी होती हैं और हर प्रकार से भगवान सबका भला करते हैं। ये आशुतोष औढ़रदानी का दरबार है, पूर्ण रूप से ये वरदान देने में सक्षम है। इस मंदिर प्रांगण में कितने भगवान की पूजा मंदिर बनाई गई है, कितने भगवानों को यहाँ पर स्थान दिया गया है? इस मंदिर में राधा कृष्ण का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, पार्वती जी के चरण हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं और दुर्गा जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने गेट पर भगवान शिव एवं पार्वती विराजमान है। बड़ का माना हुआ मंदिर है, अनेक प्रकार के लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं पूरे विश्व से और अपनी मनोकामना लेकर के जो आते हैं वो उनकी पूर्ण मनोकामना भगवान शिव जी करते हैं। सावन मास के एक महीना भगवान शिव जी का मेला लगता है। देखो सबका तो एक एक दिन होता है लेकिन ये महादेव है, देवों के देव महादेव, इसलिए सावन का इनका एक महीना पूरा होता है। शिवरात्रि में मेला लगता है इनका, चैत्र में एक महीना मेला लगता है और साल की 12 अमावसों में मेला लगता है। भगवान शिव जी का ये पूर्ण कामना है मंदिर, भगवान शिव जी का हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है,
हर प्रकार की आने वाले भक्तों को अपनी शक्ति भक्ति देता। यह चंद्रभाल नाम से प्रसिद्ध है मंदिर गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। देखा आपने अबोला में जो ये मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं कि कितना ही ऐतिहासिक है, और यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है भोले बाबा की शिवलिंग तो है ही, और इसके साथ ही साथ आप देखिए इस मंदिर प्रांगण में अलग अलग इतने वर्षों से जो भगवान है आपकी मंदिर पे पूरी होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल होती है, और क्या कहते हैं भगवान ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, यहाँ हमेशा आते हैं। कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से। देखा आपने ये लखनऊ से इतने दूर आई है यहाँ पर पूजा करने के लिए, कुछ तो विशेष होंगे भगवान में, कुछ खास होंगे कि लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं, और भी यहाँ पर कई लोग हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं। आप प्रॉपर गोला करेंगे? अब मैं रेगुलर डेली आता हूँ यहाँ पर। क्या इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या खास विशेष बात है? विशेष बात ये है, थोड़ा ये पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है, तो लगभग यहाँ मतलब हर आदमी की श्रद्धा है, हर कोई आता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मानना है कि मन्नत पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में आस्था है, तो यहाँ मांगने के लिए भी कुछ आता नहीं है, अब जुड़ा हुआ है इतिहास से जुड़ा है, लोग एक धरोहर के टाइम में मान लेते हैं। यहाँ पर देखा आपने कि लोगों की आस्था है, आपको और कुछ अलग दिखाते हैं जिससे मंदिर है, आप दुर्गा मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी बनाई गई है, और यहाँ पर पंडित जी हैं वो यहीं पर बैठ कर पूजा करते हैं, और देख सकते हैं कि शिव की आपने शिवलिंग देखा, आपने देखा कि यहाँ पर दुर्गा माता की भी प्रतिमा लगाई गई है जहाँ पर पूजा की जाती है। देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के ज़िले में जो मंदिर स्थापित है गोला में, ये जो मंदिर स्थापित है यहाँ, इससे हमने आपको अवगत कराया, जानकारी दिया हमने कि किस तरह से इसे तीर्थ स्थलों में से माना जाता है, और लोगों की आस्था भी आपने देखी कि किस तरह से यहाँ के भगवान से जुड़ी हुई है। आगे हम आपको उत्तर प्रदेश के और कई धार्मिक स्थलों पर ले चलेंगे, तब तक के लिए बने रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन शिवा तिवारी के साथ, उत्तर प्रदेश।